हेलो हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल रूबल सॉल्यूशंस। टुडेज वीडियो इज स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग एंड समथिंग न्यू एंड समथिंग रिलेटिंग टू कोडिंग द बेसिक कोडिंग कंसेप्ट्स। आई एम डूइंग कोडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ बेसिक वीडियो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोडिंग फॉर एवरीवन starting from 5-year-old kid to the upper level who are the beginners and want to know what are the basic concepts of coding. This is the beginner for the kids and so on. 5-year-old kids plus 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 plus. Let's get started and I'm sure this video will be interesting and you will enjoy as I will be speaking in English and explaining in Hindi also. Number one concept, algorithm. सबसे पहले तो algorithm होता क्या है? अगर आप एक बच्चे को algorithm word बोलोगे तो उसको बहुत tough लगेगा. If you use the word algorithm with a 5-year-old, it probably won't mean much them. However, they actually use algorithm on daily basis and concept is easy to understand. जबकि जो बच्चे होते हैं वो daily basis पर algorithm follow करते हैं. If you are looking to introduce simple coding for kids, the best way to start is to with a lesson on algorithm. अगर आपको start करना है बच्चों के साथ या कोई भी beginner जिनको पता ही नहीं है कि computers क्या है और coding क्या चीज़ है, तो आपको सबसे पहले एल्गोरिदम समझना होगा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं. एल्गोरिदम इज एन इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ऑर्डर टू कंप्लीट अ सर्टन टास्क एंड रिसीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट. एल्गोरिदम क्या होता है, हम सब यूज़ करते हैं डेली रूटीन में. वो एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये अभी सुबह उठना है, ब्रश करना है, कपड़े नहाना है, कपड़े पहनने हैं, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शंस बन के एक फॉर्म बन जाता है वो क्या है, एल्गोरिदम. एंड एल्गोरिदम इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ सर्टन टास्क एंड रिसीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, और हमें एक आउटपुट मिल जाए. सो अ कंप्यूटर प्रोग्रामर विल राइट एन एल्गोरिदम टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट. क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर काम ऑटोमेटिकली करता है लेकिन कमांड हमेशा हमें देनी होती है, प्रोग्रामर को या यूज़र को या कह लो कि ह्यूमन बीइंग को. कंप्यूटर अपने आप नहीं समझता कि अच्छा आपने दिमाग में सोच लिया और हो गया, नहीं. कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि ए ये है, बी ये है, और उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसको प्लस करना है, कि उसको माइनस करना है, उसको. तो ये सब प्लस माइनस ये सब चीज़ें क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं. क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस. तो ये इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बन जाती हैं, एल्गोरिदम. ठीक है, एक्सप्लेनिंग एल्गोरिदम टू किंडरगार्टन मींस टेलिंग देम इन देयर ओन लैंग्वेज. थिंक ऑफ द थिंग्स दे डू एवरी डे और दे सी बीइंग डन एवरी डे. जब आपके कोई छोटे बच्चे को एल्गोरिदम समझा रहे हो तो आपको उस तरह से समझाना है जैसे आप रूटीन में काम करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अपन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. वन ग्रेट एग्ज़ाम्पल इज़ डिसाइडिंग विच क्लोज टू पुट ऑन वेन यू गेट ड्रेस्ड. सबसे ईजी एग्ज़ाम्पल है कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं. सो इफ़ यू हैव जस्ट आउट ऑफ द बाथ और शॉवर, विच पीस ऑफ क्लोज वुड यू पुट ऑन फर्स्ट. जैसे अगर आप नहा के बाहर निकले हो तो आपको सबसे पहले क्या पहनना है, बताओ क्या पहनना है. सीधी सी बात है, यू वुडंट पुट योर, आप अपने सबसे पहले आप नहा के आए हैं तो आप सबसे पहले जीन्स तो पहनेंगे नहीं, सीधी सी बात है, और उसके बाद तो अंडरवेयर पहनेंगे नहीं. तो आप नहा के आए हैं तो आप सबसे पहले क्या पहनेंगे, अंडरवेयर. तो ये क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शन हुआ, एक स्टेप हुआ कि सबसे पहले आप नहा के आए हैं तो आप सबसे पहले अंडरवेयर पहनेंगे, उसके बाद आप ऊपर बनियन पहनेंगे. और आप ऐसा तो है नहीं कि आप स्वेटर के ऊपर टी शर्ट पहन लेंगे, है ना. इस तरह से जो करेक्टली आप काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो एक क्या बन जाएगा, एक एल्गोरिदम.
यू कैन राइट आउट दिस एल्गोरिदम इन स्टेप्स यूजिंग अ विजुअल शेड्यूल. स्टूडेंट्स विल नीड टू पुट द स्टेप्स इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द करेक्ट एल्गोरिदम दैट विल गेट देम ड्रेस्ड अप इन प्रॉपर ऑर्डर. देखो सीधी सी बात है, एल्गोरिदम क्या है, हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है कि हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे. जैसे इस केस में हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हम जब नहाने जा रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या पहनेंगे. स्टेप बाय स्टेप लिखते 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 हम एक आउटपुट पर पहुंच जाएंगे और हम पूरा ड्रेस्ड हो जाएंगे. कंप्यूटर प्रोग्रामर नीड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्टेप्स एंड ऑर्डर देम करेक्टली. जो प्रोग्रामर होता है उसको क्या होता है कि एक जैसे अभी नहाकर तैयार होना है तो वो एक स्टेप है, लेकिन हमें उस स्टेप को ब्रेक करना है. क्या करना है? ब्रेक. कैसे? कि हम पहले उठे, हम बाथरूम में गए, बाथरूम में जाके हमने शॉवर चलाया, शॉवर किया, फिर बाहर आए, फिर हमने टॉवल से अपने शरीर को पोंछा, उसके बाद हमने अंडरगारमेंट्स पहने, उसके बाद हमने टी शर्ट पहनी, उसके बाद हमने बरमूडा पजामा जो भी पहना, जीन्स, उसके बाद हमने कोम्ब किया, ऐसे करके हमने. और जबकि हमारा स्टेप क्या था कि हमको तैयार होना है. तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन. याद रखो क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन. एंड इज वन ऑफ द फोर कॉर्नर स्टोन ऑफ कंप्यूटर थिंकिंग. डीकम्पोजिशन क्या है? वन ऑफ द स्टेप्स हैं, कॉर्नर स्टोन जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर. तो अभी हमने क्या समझा? स्टेप वन दैट इज एल्गोरिदम विच लीड्स टू डीकम्पोजिशन. ओके, नाउ कम्स टू कोडिंग कंसेप्ट टू. वो क्या है? सीक्वेंस. टीचिंग किड्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस इज फेयरली ईजी टास्क. सीक्वेंस इज बेसिकली कंप्लीटिंग अ टास्क इन सर्टन ऑर्डर. देखो बेटा, आपको अगर आप छोटे बच्चे हो, बहुत छोटे हो, तो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन आप अगर थोड़े से भी 10 ईयर प्लस हो तो आप समझ जाओगे कि सीक्वेंस का मतलब होता है स्टेप पर एक पर्टिकुलर स्टेप्स में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में टास्क को कंप्लीट करना. सीक्वेंस इज बेसिकली कंप्लीटिंग अ टास्क इन सर्टन ऑर्डर. सो इफ वी रेफर टू एल्गोरिदम्स अबव इट मीन्स पुटिंग दोज इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर. इसका मतलब क्या है? जो हमने ऊपर सीखा, जो हमने एल्गोरिदम बनाया, उसको हमें फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर में. अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर किड्स इज टू लर्न अबाउट सीक्वेंसिंग. देखो सबसे पहले हमने ऊपर क्या किया? डीकम्पोजिशन, मतलब कि एल्गोरिदम बना लिया स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है. तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग. क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग. एज दिस इज द कोर स्किल दैट इज फाउंडेशनल टू मैनी कंसेप्ट अक्रॉस द करिकुलम. यू कैन ईजिली इंटेग्रेट अ लेसन ऑन सीक्वेंस बाय रीडिंग अ पॉपुलर चिल्ड्रन बुक और नर्सरी राइम. ब्रेक द स्टोरी इन टू पीच पिक्चर्स. आप किस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं? आप एक स्टोरी को पिक्चर्स में ब्रेक कर दीजिए और फिर बच्चे को बोलिए कि इन पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगाए. तो इससे बच्चे को आइडिया हो जाएगा कि सीक्वेंसिंग क्या होती है. लेट सपोज अगर आपने एक स्टोरी ली, सिंड्रेला की स्टोरी ली या लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी ली, यू कैन आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स व्हेन लिटिल रेड गोज टू द ग्रैंडमास हाउस. इस तरह से आप बच्चों को या किसी को भी सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट समझा सकते हो. ठीक है? ओके, नाउ द थर्ड स्टेप. अब आपको क्या क्या आ गया, क्या समझ आ गया कि सबसे पहला स्टेप कौन सा था? एल्गोरिदम, दैट इज डीकम्पोजिशन. फिर सेकंड स्टेप सीक्वेंसिंग. एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप दैट इज लूप. Mention the word loop to the kids and they may already have an idea what it is about. What is a loop?
समथिंग डैट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड. अगर कुछ बार 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 एक चीज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं? लूप. कोडिंग में लूप हमें अलाउ करता है एक चीज़ को बार बार करने के लिए. कोडिंग में कई चीज़ें होती हैं हमें बार बार करनी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो बार बार लिखनी है, नहीं, हमें वो अलाउ करता है, हमें वो लूप्स देता है. इन कोडिंग लूप्स अलाउ यू टू रिपीट सर्टेन समथिंग अगेन एंड अगेन. लूप्स विल रिपीट अंटिल यू गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू स्टॉप. इन सम केसेस यू माइट टेल योर कंप्यूटर टू स्टॉप आफ्टर इट हैज़ रिपीटेड द लूप अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. In other words, you may tell your computer to stop once a certain condition is met. मतलब क्या है बेटा, जब कोडिंग करते हैं तो जैसे सपोज करो कि हमें कोई लूप बनानी है, हमें कोई काम बार बार करना है, तो हम कोई कंडीशन दे सकते हैं कि जब ये मिल जाए तो, जैसे सपोज करो हम कहते हैं कि अगर रूबल सॉल्यूशंस चैनल मिल जाए तो हम उनकी वीडियोस देखने लग जाएं, ठीक है, तो हमने लूप को फिनिश कर दिया. लेकिन जब तक हमें रूबल सॉल्यूशन ना मिले हम सर्च करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें. व्हेन एक्सप्लेनिंग कोडिंग टू किंडरगार्टन इट्स यूजफुल इफ वी स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट दे ऑलरेडी डू एवरी डे. फॉर लूप्स एन एग्जांपल कुड बी हाउ दे अराइव्ड एट द स्कूल एवरी डे. अब बच्चों को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप का एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे बच्चे रोज घर से स्कूल जाते हैं ना, तो ये लूप है. इफ़ एवरी डे द चाइल्ड टेक्स द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक सेम पाथ से जाता है या कार से जाता है या पैदल जाता है, कैसे भी जाता है, तो वो उसके लिए क्या है, एक लूप है. हैव योर किंडरगार्टन आउटलाइन द स्टेप्स दे टेक टू गेट द स्कूल. जैसे क्या किया उसने, सबसे पहले घर से बाहर निकला, उसके बाद उसकी बस स्टॉप पे गया, बस की वेट करी, फिर स्कूल बस आई, फिर स्कूल बस ने चार स्टॉप पे बच्चों को लिया, उसके बाद स्कूल आ गया और वो स्कूल में चला गया. तो ये जो स्टेप्स हैं ये रोज़ होते हैं. क्या होते हैं? रोज़ होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. तो ये क्या है, जैसे लूप है. क्या है ये? लूप. Walk out of the house to the bus stop, wait for the bus, get on the school bus, make four stops and arrive at the school. तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि लूप क्या है. Wouldn't it be a lot simpler if we didn't have to write out all these steps every time? अगर ये ऊपर वाले स्टेप्स हैं, हमें बार बार बार, जैसे हमें 100 डेज का कोई शेड्यूल बनाना है कि एक बच्चे ने क्या किया, अगर इसका यही रूटीन है तो ज़रूरी थोड़ा है कि 700 स्टेप्स हम लिखे कोडिंग के. नहीं, हम एक बार लिख देंगे और लूप लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा. फिर हम अपने कंप्यूटर को बता देंगे कि ये लूप 100 डेज तक चलनी चाहिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप ही उसको 100 डेज तक चला देगा. अदरवाइज अगर हम बार 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 लिखेंगे तो ये 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स या 10 स्टेप्स बार बार आएंगे, ठीक है. तो एक बार कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस दे दी तो वो समझ जाएगा. सिंस एवरी डे वी रिपीट द सेम स्टेप्स दिस इज कंसिडर्ड एज अ लूप. वी मे टेल आर कंप्यूटर टू रिपीट दिस लूप एवरी डे फॉर 100 डेज और वी मे टेल आर कंप्यूटर टू रिपीट दिस लूप ऑन द वीकडेज बट नॉट वीकेंड्स. दीज इंस्ट्रक्शंस हेल्प आर कंप्यूटर know when to stop performing the loop. Computer programmer use loops to make their programs more efficient. When kindergarten students learn loops, they also become faster and more efficient. For example, learning how to get dressed for outside playtime goes faster when the teacher only say get dressed. Jaise get dressed bola, उनको पता चल गया चलो जी फटाफट अपना तैयार हो जाओ खेलने कूदने के लिए, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप था एल्गोरिदम, सेकंड स्टेप था सीक्वेंसिंग, थर्ड स्टेप था लूप. नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 4.
दैट इज कंसेप्ट 4। अब हमने एल्गोरिदम वाले में पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन कर दो, क्या कर दो, बट ये भी एक अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। तो स्टेप 4 क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स इंटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल स्टेप्स। एल्गोरिदम में क्या था, हमने स्टेप्स लिखे थे। वी कैन टीच kindergarten students about decomposition by asking them to break down their everyday routine into smaller steps. Ask your students to teach you how to brush your teeth. They may quickly jump to picking up the brush and telling you to brush. ऐसे नहीं, अगर आपने कहा कि मुझे बताओ कि brush your teeth, तो बच्चे क्या करेंगे, सीधा ब्रश को पिक करेंगे और कहेंगे मैंने ब्रश कर लिया। नहीं, उनको बोलो और ब्रेक करो। क्या बोलो, कैसे ब्रेक करेंगे वो? सबसे पहले वो कहेंगे आपको पानी ऑन करना है। क्या करना है? पानी ऑन। उसके बाद आपने ब्रश उठाना है, उसके बाद ब्रश को वॉश करना है, उसके बाद उसके ऊपर पेस्ट लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, उसके बाद उस ब्रश को लेके अपनी टीथ पर रब करना है, फोर्थ एंड सब जगह, और यू कैन, और ये सब चीज़ करते करते हमारे दांत साफ़ हो जाए। तो आपने देखा, एक छोटा सा काम था जैसे कि ब्रश करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, बस मैंने ब्रश उठाया और ब्रश कर लिया। लेकिन जब हमने उसको ब्रेक किया तो देखा कितने सारे स्टेप्स बन गए। हमने पानी खोला, उसके बाद ब्रश को उठाया, ब्रश को वॉश किया, टूथपेस्ट लगाया, और फिर वापस छोटा पानी लगाया, फिर ब्रश को रब किया, उसके बाद चारों तरफ रब किया। इस तरह से एक छोटे से काम के लिए कितने स्टेप्स हो गए? 7 to 8 स्टेप्स हो गए। तो ये क्या हो गया, ये डीकम्पोजिशन कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने? तो जब हम डीकम्पोजिशन कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मैक्सिमम छोटे छोटे पीसीज में देनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर सके। और हमें किसी स्टेप पर, जैसे सपोज करो कि आपने वाटर, जहाँ पे वाटर यूज़ किया वहाँ आपने वार्म वाटर यूज़ करना है, तो आप वार्म वाटर और कोल्ड वाटर की ऑप्शन भी डाल सकते हो। जब आप ब्रेक करोगे कोड को, तो आप कहीं भी कल को आपने कुछ ऐड करना है तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप डीकम्पोजिशन समझ आया होगा। डीकम्पोजिशन इज़ बींग एबल टू ब्रेक दीज टास्क into small chunks that a computer can understand. This is very interesting and very useful. अभी ये जो concepts हम सीख रहे हैं, ये बच्चों के हिसाब से सीख रहे हैं, लेकिन हम बड़े जो होते हैं, या बड़े बच्चे जो होते हैं, 10+, 20+, 30+, 40+, rather आजकल तो 50+ लोग भी coding सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनको clear हो कि एल्गोरिदम क्या होता है, सीक्वेंसिंग क्या होती है, लूपिंग क्या होती है, डीकम्पोजिशंस क्या होते हैं। और अब हम जाएंगे फिफ्थ कंसेप्ट पे, दैट इज़ ब्रांचिंग। अगर आप ये 5 स्टेप अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको कोडिंग का, मतलब जब आप कोडिंग करने लगेंगे हायर लेवल पे भी, तो आपको पता रहेगा हाँ हमें ये तो करना ही है। सबसे पहले हमें एल्गोरिदम तो बनाना ही बनाना है। एल्गोरिदम का मतलब है हमें ये तो देखना ही है कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम चाहता क्या है। उसके बाद दूसरा है सीक्वेंसिंग, फिर सीक्वेंस क्या होगी वो हमें करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली किसी भी काम के लिए आपको सीक्वेंस तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्या है, लूपिंग। लूपिंग का मतलब कौन कौन से स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। फिर फोर्थ कंसेप्ट क्या है, डीकम्पोजिशन, मतलब हमने उन स्टेप्स को फिर से ब्रेक कर दिया। नाउ वी कम टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज ब्रांच, ब्रांचिंग। ओके, नाउ द कंसेप्ट 5, ब्रांच। ब्रांचिंग बेसिकली मीन्स चेकिंग कंडीशंस विच डिटर्मिन द चॉइस बीइंग मेड। सो इन अदर वर्ड्स, मेकिंग अ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपन्ड। व्हेन एक्सप्लेनिंग द कोडिंग कंसेप्ट ब्रांचिंग टू किड्स, यू कैन यूज एन एग्जाम्पल ऑफ देयर स्कूल डे यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स। You can start with what you would expect to happen. Like, first, wake up. Second, get dressed. Third, eat breakfast. Fourth, brush teeth.
जैसे सपोज करो ये सारे स्टेप्स हैं, वेकअप, गेट ड्रेस्ड, ईट ब्रंच, ब्रश, गो टू स्कूल, कम टू स्कूल. अब जैसे ये है, ये सारे अनऑर्गेनाइज हैं, लेकिन अब आपको इसको ब्रांच करना है. देन टू गो इन टू मोर डिटेल्स यू कुड आस्क समथिंग सच, बट वॉट इफ वेडनेसडे यू हैव द टेनिस प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल, हाउ वुड दैट चेंज योर डे? और बट ऑन थर्सडे यू आर गोइंग आउट फॉर डिनर, देन वॉट टू डू? लाइक दिस इज़ द नॉर्मल रूटीन ऑफ योर लाइफ, बट यू हैव टू एंटर सम ऑफ द ब्रांचेज, दैट इज सम ऑफ द कंडीशंस इन योर एल्गोरिदम. देन यू नीड द ब्रांचिंग कंसेप्ट, मतलब आपको कुछ भी एडिशनल ऐड करना है. लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि आज हॉलीडे है, वेडनेसडे को हॉलीडे है और हम डिनर पर जा रहे हैं, तो आपको वो करना होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रांचिंग कंसेप्ट पूरा होता है. अब हम नेक्स्ट स्टेप इस करेंगे. ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने जा रही हूँ, ये एक तरह से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा स्टेप है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको किस तरह से अपने प्रोग्राम में या अपने कोडिंग में मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है. उसका एक नाम बना हुआ है कंप्यूटर में, डीबग. क्या बना हुआ है? डीबग, DEBUG. मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो. डीबगिंग इज ऑल अबाउट फिक्सिंग योर मिस्टेक. ये जो डीबगिंग का कंसेप्ट है ये इसीलिए आया हुआ है, ये एक तरह से रबड़ का काम करता है. क्या करता है? पेंसिल के पीछे रबड़ होती है ना स्टूडेंट्स, वैसे ये रबड़ का काम करता है. डिबगिंग हैज़ नथिंग टू डू विद बग्स. ओ, सबसे पहले तो डिबगिंग का मतलब ये मत समझना कि कीड़े मकौड़े होते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना बग्स या इंसेक्ट्स, वो मत समझना. डिबगिंग हैज़ नथिंग टू डू विद बग्स एंड इंसेक्ट्स दैट किड्स फाइंड्स इन द गार्डन, दो दैट्स कुड व्हाट दे बी थिंग When you first introduce, सबसे पहले अगर डिबगिंग वर्ड होगा तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये कोई इंसेक्ट तो नहीं. नहीं नहीं, इंसेक्ट नहीं है. डिबगिंग इज बेसिकली फिक्सिंग एन इशू दैट यू कम अक्रॉस विद इन द इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, डिबगिंग हमारी प्रॉब्लम को फिक्स करता है अगर हमारे कोई इशू प्रॉब्लम आ जाती है तो. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिबगिंग विद द किड्स, दे बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड टू debug is the fix a potential problem. Debugging is one of my favorite coding skills to teach, as this concept teaches skills that go well beyond the computer. There are so many benefits to teaching coding, and debugging helps kids build reliance and problem solving skill essential for their future. A good example to use for kindergarten kids is giving them steps to follow and make an error in mistakes. So write a sequence but put one step in the wrong order. This can easily demonstrate using simple maze. You can use maze example and draw it and show kids for the concept of debugging. Debugging isn't always easiest coding concept to understand. Most children can become impatient. Many want the answer right there and then. It is important coding concept to learn because problem solving plays a large part in computer programming. I hope this concept of algorithms, sequencing, looping, decomposition, branching will help you. This is just the basic lesson, and I'm trying to tell you about. I really hope that these concepts will help you to start coding. And this is basically for the kids 5 year plus, and will go on for all the people who want to start from the core. These are the 5 basic concepts you really need to understand from the core.
अब इन टॉपिक्स पे बहुत फर्दर वीडियोस बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं। अब हम धीरे धीरे अगर आप कहोगे तो हम लाते जाएंगे। एल्गोरिदम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, डीकम्पोजिशन पे बन सकती है, सब चीज़ों पे एक डेडिकेटेड वीडियोस बन सकती हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर शोइंग टू बोथ आर चैनल, दैट इज़ रूबल सॉल्यूशंस एंड सेलेस्टियल स्पेस फैक्ट्स। जो दूसरा चैनल हमारा है सेलेस्टियल स्पेस फैक्ट्स, उसमें सिर्फ स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आई होप यू आर इन्जॉइंग and please be positive, be safe and be kind. Thank you, have a nice day. Love, love, more power.